और अपनी बात कहें अमर सिंह यादव जी। आभार और बहुत बहुत धन्यवाद समस्त किसान साथी माताओं बहनों किसान नेताओं पंचायत में और इस समुदाय राज्य को संयुक्त किसान मोर्चे के समस्त किसान भाइयों की तरफ से समस्त किसान नेताओं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी आप इसी तरीके से प्रगति शिखर पर पहुंचे और एक बात बताना चाहूंगा, किसे बात सुना है, सुना है यहाँ के प्रशासन के लोग किसान यूनियन के हुआ है। आपका क्या क्या समस्याएं सुनी है किसानों की? किसानों की जितनी समस्या पूरे देश को पता, सुनने की जरूरत नहीं है, बस जगाने की जरूरत है। जो हम कर रहे हैं और आपको भी करना चाहिए जैसा कि आप कर रहे हो। तो आज का कार्यक्रम जो हुआ है कन्नौज में आपका, इसके बाद में क्या क्या और भी कार्यक्रम चलते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, कल भी मेरी एक पंचायत है उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में, आप सभी आमंत्रित हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना। मैं आ रही हूँ उनके बीच में टंडेरा गांव में अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के लिए, युवाओं का साथ लेने के लिए, ऐसी ऐसी लड़कियों का प्यार लेने के लिए। तो पिछले कई महीनों से किसान रोडों पर बैठा हुआ है, सरकार सुनने को तैयार? कोई बात नहीं सुनेगी, तुम देखो कान में कैसे गर्म करके सरसों का तेल डाला किसानों ने, टेंशन मत लो, सुनेगी जरूर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जब आपका जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि किसानों का अधिकार है जी आंदोलन करना, जब तुम भी नहीं उठाते इस बात को, अब एक बात क्या कह दी, उठाए जा रहे हो यार, तुम भी कैसी बात करे भाई। और कुछ लड़ाई दो लोगों के बीच की हो गई है ना, अब गोडसे को मानने वाले लोग हैं, अरे एक तरफ गांधी को देखते हैं जीतता कौन है, कि गांधी जी को मानने वाले लोग जीतते हैं कि गोडसे को मानने वाले लोग जीतते हैं, सच जीतेगा हमें गांधी, गांधी गांधी जी को मानने वाले लोग जीतेंगे बिल्कुल। चलिए फोटो करा दीजिए इनके बच्चों के साथ एक। और अपनी बात कहें अमर सिंह यादव जी। हेलो, हेलो, इस महा किसान महा पंचायत में आए हुए हमारे वरिष्ठ बता दिया है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ पीछे। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप सभी लोग